और खास करके आप महिला अपनी सोसाइटी के महिलाओं के लिए जीतने के बाद किस तरीके से आप बदलाव करेंगे? देखिए, मेरे को एक तो सबसे पहले लगता है कि ना लेडीज़ जो हैं वो थोड़ा हेजिटेट करती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए. सो माय मोटिव वुड बी कि दैट मोर फीमेल पार्टिसिपेशन शुड बी देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वीमेन वेलफेयर, लाइक पीपल शुड नो, लेडीज शुड नो ईच अदर एंड दे शुड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एज वेल. सो दैट वुड बी माय मोटो. किड्स वेलफेयर, स्पोर्ट्स एकेडमी, दीज आर माय मोटो ऑफ लाइफ. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, to ease the life of my society people, that is also there. So I will do such things. Yeah, society mein kai kamiyan hoti hai, us kami ko kaise pura karenge? Yes, we will make committee, and in those committees as well I will love to just ask ladies to just participate more, so that my motto is to just represent a female face. For the reason, because in a house we manage so many things together with so many comfort and easily. Male members sometimes they don't are able to do it. So that's why actually I just participated, so that more female participation apart from this, and then they will we will make committees and people will recognize more people each other, and then we'll definitely work towards this. To solve the problems. आप एक महिला भी हैं और कल महिला दिवस भी है, तो महिलाओं के लिए किस तरीके से बदलाव आना चाहिए जिससे आप अपना सुझाव दे सकें? महिलाओं के लिए तो देखिए, आजकल लेडीज़ पीछे तो नहीं हटती हैं, तो वो आती भी हैं आगे और अपना पार्टिसिपेशन भी शो करती हैं. तो बदलाव के सेंस में अगर मैं बोलूँगी तो है ना, उनको किसी भी तरह का हेजिटेशन, अगर सपोज दे आर कमिंग फॉर द हेल्प, तो उनको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, है ना. मेरा एक प्रोजेक्ट है बिग बास्केट की वेंडिंग मशीन का, जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ यहाँ पे, जिसमें 24/7 आपका जो बेसिक फूड आइटम्स होंगे वो अवेलेबल होंगे और लोगों के लिए वो ईजी होगा. एनी टाइम इफ गेस्ट आर कमिंग, तो वो ईजी होगा उनके लिए कि है ना, वो कभी भी उससे वेंडिंग मशीन से वो और मोबाइल ऑपरेटर. Of course, I'm happy and I'm, overwhelmed with the support. People are really supportive and helping us. Thank you. Hello. शैलेंद्र मिश्रा. शैलेंद्र जी, आप अपने सोसाइटी में फर्स्ट चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है. बहुत सालों से रह रहा हूँ मैं यहाँ सोसाइटी में, कभी भी बहुत बार वॉलंटियर का काम तो किया, लेकिन कभी भी बोर्ड में आने का टाइम नहीं मिला. इस बार भी समय की कमी है, लेकिन इच्छा पूरी थी, इसलिए इस बार मन लगा के चुनाव लड़े और इस बार जीत कर कुछ जनता के लिए बेस्ट करेंगे. आपके सोसाइटी में कई ऐसे कमियाँ भी होंगी, उन कमियों को किस तरीके से आप दूर करेंगे? देखिए, कमियों को दूर करने के लिए पहले कमियां जो आइडेंटिफाई हो जाती हैं उनको, प्लस कस्टम जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको वरीयता के आधार पे देखा जाएगा कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे. महिलाओं के लिए कुछ अलग किस तरह से करेंगे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहले से ही काफ़ी अच्छे इंतज़ाम हैं. ठीक है, एक CCTV लगने की ज़रूरत है, जिससे कि जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, है ना, और यंग गर्ल्स हैं, वो जो खेलती हैं खुल के, वो भी निडर होकर खेल सकें. लिफ्ट वगैरह में जैसे बच्चे फंस जाते हैं कई बार, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, वो उसमें CCTV लग जाने से बहुत अच्छा हो जाएगा. वो हमारा प्रयास रहेगा. Thank you.